First of all, this movie is fabulous. You should definitely watch with it. Friends, yeah, with friends. ये मस्ती वाली पूरी मूवी है. इसमें जैसे हॉरर दिया है, बट द टर्न ऑफ कॉमेडी इन द हॉरर इज अल्ट्रा फैबुलस. अल्ट्रा फैबुलस, सुपर. पूरा पैसा वसूल है. आई स्लेप्ट हाफ ऑफ द टाइम. बाकियों का पता नहीं, सेकंड हाफ में लिटरली मैंने सो के गुजारे. आप मेरी आंखें देखे होंगे. मैंने ही नहीं सबने. वी लव द मूवी. इट इज टू गुड. राजकुमार राव, वरुण एंड जानवी कपूर एंड बाकी एक्चुअली सारे एक्टर्स. अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है. मूवी मतलब जो दिखाना चाहते थे वो दिखाया, बट हाँ कहीं कहीं पर थोड़ा सा फॉल्टर कर जाता है. कुड हैव बीन मच बेटर, बट या इट्स गुड. इट्स अ गुड वन टाइम वॉच. यार स्टोरी लाइन कुछ मुझे लगी नहीं, ढंग की नहीं लगी. सो बेसिकली मुझे पसंद नहीं आई मूवी. इट वाज नॉट एट ऑल हॉरर थिंग. आई डोंट नो, वो जो भी जिसने भी लिखा होगा क्या सोच के लिखा होगा, या जिसने सोचा ये स्क्रिप्ट करे क्या सोच के किया होगा. It was very much disappointment. जितना जानवी का रोल इतना ब्रिलियंट निभाया, एक भूतनी का रोल और एक इसका रोल, एकदम बेस्ट. और राजकुमार राव की कॉमेडी एक नंबर. बाकी एक्टिंग अच्छी है, राजकुमार की एक्टिंग इज गुड, वरुण की कॉमेडी इज गुड. यार बोथ आर ब्रिलियंट. दोनों की केमिस्ट्री, कॉमेडी ब्रिलियंट. दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है. इट्स वंडरफुल. डेफिनेटली राजकुमार की कॉमेडी एंड द सपोर्टिंग कैरेक्टर आल्सो, ही इज आल्सो वेरी फैबुलस. उनकी जो मेल है, जो दोनों का एक साथ कॉमेडी हो रहा है, इट इज़ वेरी फैबुलस. उनका साथ में बहुत अच्छे से कोरियो किया है. जानवी का ऐसा लग रहा था शी वाज प्रिटेंडिंग एट ईच एंड एवरी टाइम. सो मज़ा नहीं आया. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं जमी. देर इज़ नो वर्ड्स, नो कमेंट्स. आई लिटरली डिडंट लाइक हर. अप टू डेट वॉट एवर मूवी शी हैज डिड, इट इज़ एटलीस्ट ओके अप टू मार्क. नॉट इवन अप टू मार्क, बट इट इज़ ओके. बट दिस वॉज लाइक, यू नो, आई डोंट थिंक सो शी शुड डू एनीथिंग. आई रियली डिड नॉट लाइक जानवी फर्स्ट धड़क में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुंजन सक्सेना एंड नाउ दिस, शी इज़ प्रूविंग हर मेटल. आई फील, यू नो, शी वॉज गुड इन वॉट एवर रोल शी वॉज गिवन. शी डिड नॉट हैव मच ऑफ अ स्कोप द वे श्रद्धा कपूर हैड. सो या देयर इज अ डिफरेंस. आप मेरे ख्याल से आप मूवी देखेंगे खुद तो आप समझ जाएंगे. बिल्डअप होती है ना स्टोरी, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई. स्त्री के कंपैरिजन में रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्टीमेटली रख नहीं पाए. आई थिंक सो. पर स्त्री से तो ज़्यादा ही अच्छा फिल्म है ये, तो मैं कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ. स्त्री इज ऑल्सो नॉट दैट गुड, बट या इट इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड मैसेज, यू नो, अबाउट दैट लाइट बिल एंड ऑल. बिकॉज ऐसे सच्ची में होता है सर, लाइट बिल एंड ऑल, वो बहुत बहुत अच्छा मैसेज था. बट दिस इज़ लाइक, दिस डजंट हैव एनी मैसेज नॉर एनी एक्टिंग स्किल्स नॉर लाइक, यू नो, सॉन्ग्स एंड ऑल. इट इज़ नॉट इवन दैट गुड. बहुत हिट हो रहे हैं द सॉन्ग्स आर आल्सो गुड. यस, द पंगाट सॉन्ग, द लास्ट वन, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. इट इज़, ट्रस्ट मी, इट इज़ गुड. वी लाइक द बीट. सॉन्ग बस वही है जो पहले, लेट्स द म्यूजिक प्ले. बाकी और कोई सॉन्ग ऐसा नहीं है जो याद रखा जाए बाहर निकलने के बाद. मुझे याद नहीं है. That song is nothing. I didn't like it personally. My opinion with that song is not that very good. एक ना मूवी के बीच में एक गाना आएगा. I don't know whom it's sung by. I think it's Mika Singh. मैं भी अब घर जाके गूगल करूँगा और गाना सुनूंगा. But there's one song which plays during the second half when they are in the search for the Baba who can, you know, get the chudail out of Janvi. तो उसमें एक गाना बजता है. वो अच्छा है. 10/10. 3.5. 1. For Varun. Will definitely 5. I'll give 5. 0. 0.0 if there is something beyond 0. 5 out of 5 worth it picture hai. Please jaake dekho. Jo ye video dekh rahe, please jaake dekho. Aur aap log bhi dekho.